गाइस, मैं निखिल कुमार से आज जाएंगे हम लोग वैष्णो देवी मंदिर। वो पहाड़ देख रहे हैं आप सीधा में, इसी पहाड़ पे आज हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपको उस पहाड़ के ऊपर। तो गाइस, वैष्णो देवी मंदिर का आपको रास्ता ही बताया जाएगा कहाँ से कैसे जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउरकेला स्टेशन है, आप यहाँ से निकलेंगे। जब राउरकेला में अगर आप एंट्री करते हैं या आते हैं तो आप यहाँ से निकलेंगे। ओके, तो आपको यहाँ से निकलने के बाद आपको पूरे सीधा जाना है, जो कि देखिए आपके राइट साइड में पड़ेगा। आप निकलेंगे तो आपके राइट साइड में रास्ता पड़ेगा। ओके, दोस्तों जैसा कि आपको बता दूँ, ये मंदिर का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ आपको प्रसादी वरसादी वगैरह सारा मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, और आप स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए हम लोग ऊपर मिलते हैं। ओके, हेलो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं ये है सीढ़ी, हम लोग चढ़ रहे हैं अभी ऊपर। ओके, ऊपर जाने वाले हैं। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर लगभग मैंने सुना है जहाँ तक कि यहाँ पर लगभग आपको 800 सीढ़ियाँ से ज़्यादा है। ओके, तो देख सकते हैं आप, सीढ़ी 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 सीढ़ दिखेगा आपको। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मैंने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि आपको मैं एक व्यू दिखाऊं, तो चलिए थोड़ा ऊपर चीज़ दिखाते हैं, यहाँ से मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। चलिए 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 चलिए, वो देखिए कहाँ है हम लोग, ये है राहुल किला, ये है राहुल किला। चलिए पूरा ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों। पूरा ऊपर जब चढ़ेंगे तो फिर ऊपर से आपको आधा राहुल किला दिख पाएगा। ओके, मैं सुना हूँ जहाँ तक कि आधा राहुल किला दिख जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर, और थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं। ओके, और आपको दिखा दूँ, ये तीन लोग जा रहे हैं अभी, एक जन फ़ोन में बात कर करके चल रहा है और दो जन ऊपर, काफ़ी लोग ऊपर में हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग आते हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। यहाँ पे आपको हमेशा ही भीड़ देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा राहुल किला का 10% एरिया, जो कि मैं अभी पूरा ऊपर भी नहीं चढ़ा हूँ, अभी आधे ही पे मैं थक गया हूँ और बैठ करके ये वीडियो ले रहा हूँ, देख सकते हैं। देख रहे हैं वो जो हमारा है, वो है हमारा स्टेशन लोकेशन, यहाँ स्टेशन लोकेशन हमारा। ओके, इसके बाद से लोग ने आया है, ये है रूट, ये हमारा रूट है, बहुत है नीचे का यार, ये है सीढ़ी, देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इस पर, पूरा लाइन से। और ये लाइन के लिए एक्चुअल जो ये दिया गया है बॉर्डर, वो पूरा लाइन के लिए दिया गया है, कि बाकी दिनों में बहुत भीड़ होते हैं, जैसे कि लाइक नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है इधर पे, तो इसलिए ये लगाया गया है, क्योंकि दोस्तों नीचे से पूरा लाइन ये स्टार्ट होती है और ऊपर तक पूरा जाता है ये लाइन। बूम गाइस, देख लेते हैं, ये मैं अभी एक चट्टान के ऊपर हूँ, ये एक चट्टान है, एक सेकंड, ये देख सकते हैं, ये जो पूरा है एक बड़ा चट्टान है। चलिए आपको थोड़ा यहाँ ला कर दिखाता हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक चट्टान के ऊपर एक्चुअली चढ़ा हूँ मैं, और चट्टान पर चढ़ने का रास्ता आपको कोना में मिलेगा, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है चढ़ने के लिए, ठीक ना। ओके दोस्तों, देखिए मैं चट्टान पे हूँ, ये एक बहुत बड़ा चट्टान है, इस पहाड़ में ऐसे कई सारे चट्टान आपको मिल जाएंगे, तो
देख सकते हैं इसके चट्टान के ऊपर और दो चट्टान है, सॉरी तीन चट्टान है, एक दो तीन, ओके। और यहाँ ड्रम्स रखे गए हैं पानी की सुविधा के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा बैठता हूँ यार। दोस्तों ड्रम रखे गए हैं क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी बहुत मुश्किलों से मिलता है, क्योंकि ये बहुत ऊपर है, क्योंकि इधर पानी लाने का थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे ड्रम्स वगैरह रखे गए हैं। और अगर आप आते हैं तो इधर आपको पानी की सभी सुविधा मिल जाएगी। ऊपर देख सकते हैं, आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं पानी की ड्रामे रखे गए हैं, ओके। देख सकते हैं ये पानी की ड्राम है, इस तरह यहाँ पे कई सारे ड्राम्स, आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपको ड्राम्स मिलते जाएंगे, ओके। तो आप नीचे से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ऊपर तक जाएंगे तो पूरा ऊपर तक आपको ड्राम्स मिलेंगे, ओके। तो आपको मैं थोड़ा मंदिर दिखा दूँ, देखते हैं मंदिर यहाँ से दिखता है या नहीं। और दोस्तों पूरा जहाँ पेड़ों से पूरा ये ढका हुआ है, तो हम लोग यहीं से चलेंगे। तो देखिए ये है चट्टान जहाँ मैं खड़ा हूँ, सब देख सकते हैं, ये है चट्टान का कॉर्नर। देखिए दोस्तों ये है चट्टान का कॉर्नर, देख सकते हैं, मैं थोड़ा पीछे ही आ जाता हूँ। चलो चलते हैं और थोड़ा ऊपर, हम लोग अभी बहुत ऊपर जाना है, पूरा टॉप पे जाना है दोस्तों, पूरा टॉप पे जाएंगे, आज आपको पूरा दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं ये दोनों है जिम बॉय, ये जिम बॉय 1 और ये जिम बॉय 2। कुछ तो बोल, देख रहे किसका डायलॉग मारा तू, भाव रे भाव 2 भाव 2 दोस्तों ये देख रहे हैं पूरा खड्डर हो गया, ये एक टाइम यहाँ पर जो है मतलब भंडारा बांटा जाता था, मतलब कि आप जब पूजा आएंगे, जब नवरात्रि सब सीजन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको भंडारा मिलेगा, भोजन दिया जाएगा, प्रसाद बांटा जाता है यहाँ पर। तो अभी पूरा पेड़ उग गया है, पूरा देख सकते हैं पूरा पेड़ उग गया, चारों तरफ ही पूरा पेड़ उग गया है, ओके। चलिए और थोड़ा ऊपर चलते हैं, देखते हैं। ये दोस्तों एक्चुअली ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक ना, लॉकडाउन था बोलकर ये मतलब कि इधर चारों तरफ पेड़ उग गए, वरना यह पूरा साफ क्लियर रहता था, पूरा साफ सुथरा हमेशा दिखा जाता था आपको, ओके। दोस्तों आखिरकार पहुंच गए हम लोग मंदिर, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मंदिर, देख सकते हैं दोस्तों ये अभी और भी ऊँचा है, ऊपर बिल्डिंग बना हुआ है, ओके। तो ये है सीढ़ी, यहाँ सीढ़ी गुफा जाने की ये सीढ़ी है, हम लोग आपको दिखाते हैं, हम लोग इधर से सीढ़ी है सर, दिखाते हैं हम लोग आए कहाँ से, देख लेते दोस्तों इस घर से हम लोग सीधे सीढ़ी चढ़ते थे, तो इधर से ऊपर आए हैं, ओके। ऊपर आने इधर आपको थोड़ा बैठने की जगह मिल जाता है, और आपको थोड़ा बैठने की जगह उधर मिल जाएगा, देखिए इधर साइड थोड़ा बैठने का जगह मिल जाता है, अगर आप चढ़ के थक जाते हैं तो आगे इधर बैठ सकते हैं, ओके। तो अब इधर पे ये बिल्डिंग बना हुआ है थोड़ा पहाड़ के ऊपर थोड़ा, ओके। और इधर से है गुफा जाने का रास्ता, तो चलिए चलते हैं थोड़ा गुफा की ओर, देखते हैं कैसा है। मैं भी काफ़ी दिनों बाद आया हूँ यहाँ पर, देख सकते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। यह सीधा रास्ता जो कि मंदिर का है, गुफा का है, ठीक है, देख सकते हैं ये पूरा पूरा गुफा का है दोस्तों, पूरा पेड़ पेड़ उग गया है चारों तरफ, दोस्तों ये गुफा का दरवाज़ा है जो कि बंद है अभी, चलो नीचे की बात करते हैं, गुफा का दरवाज़ा बंद है, देख सकते हैं, चलिए नीचे चलते हैं हम लोग, पहले नीचे उतर जाते हैं पहले हम लोग, क्योंकि ऊपर काफ़ी लोग थे जो कि बाहर से ही पूजा कर रहे थे। आप जहाँ तक देखें कि वो अभी भी बंद है, दरवाज़ा बंद है मंदिर का, लोग बाहर से पूजा अर्चना कर रहे हैं जो करना है, और आप लोग आते हैं तो आइए, जब ये थोड़ा जो टाइम चल रहा है लॉकडाउन वगैरह का, तो
ये ख़त्म करने के होने के बाद आइए और देखिए, हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छा टेंपल है, अंदर में गुफा टाइप का है अंदर में, और अंदर में माँ है। तो दोस्तों, हमें तो जाने नहीं दिया गया अभी इस बार, क्योंकि सब बंद हो चुका था, और हम कभी आएंगे फिर नेक्स्ट टाइम तो आपको अंदर का वीडियो दिखाएंगे। तो आज हम यहाँ तक का दिखाते हैं, अभी ऊपर चलेंगे दोस्तों, अभी और ऊपर जगह है, ऊपर भी माँ है, ऊपर माँ तो खुला होगा, ऊपर हम व्यूज़ आपको ज़रूर दिखा पाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आप अब आपको ले चलेंगे दोस्तों। ये पीछे देख सकते हैं आप, ये मैं कवर नहीं करता, ये पहाड़ है पूरा, एक्चुअली ये मंदिर पूरा पहाड़ पे बना हुआ है, तो इसलिए ये पीछे बैकग्राउंड में भी पहाड़ आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग ऊपर जाएंगे अभी, और तो ऊपर तो और बड़ा पहाड़ है, चलिए दिखाते हैं ऊपर में। दोस्तों, हम लोग गए थे अभी माँ के मंदिर, ओके। तो माँ के मंदिर में आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो लॉकडाउन की वजह से वो भी बंद है, पड़ा हुआ है अभी बंद है वो, और वहाँ से भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग अभी चलने वाले हैं भैरव बाबा के मंदिर, तो चलिए भैरव बाबा के मंदिर का आपको थोड़ा नज़ारा व्यू दिखाते हैं। ये अभी हम लोग चल रहे हैं, हम लोग जाएँगे प्रॉपर, ये सीढ़ी है, ओके। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये है मंदिर वगैरह, चलिए हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा शक्ल तो आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है, आप दिखा, ओके। थोड़ा छाँव में आता हूँ पहले। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है भैरव बाबा का मंदिर, जिसके ये भी बंद है। तो चलिए थोड़ा हम लोग अंदर का थोड़ा देख सकते हैं, तो देखते हैं। देखा दोस्तों आपने, ये भैरव बाबा का मंदिर है, और दोस्तों तो भोले बाबा का मंदिर था और वो भी बंद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं इधर ही पे बैठा हूँ बगल में अभी, और आप देख रहे हैं ये बंद है। तो दोस्तों, अभी हम और ऊपर जाने वाले हैं, ऊपर का रास्ता मतलब में सीढ़ी नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऊपर का जो रास्ता है पूरा उसी तरह है, ऊपर कोई सीढ़ी नहीं है, क्योंकि वो मंदिर नया है अभी। और चलिए ऊपर बात करते हैं। बुम बुम। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और ये पूरा पहाड़ है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए ऊपर ले चलता हूँ आपको थोड़ा, और आपको तो पूरा ऊपर दिखाऊंगा, मैं पूरा ऊपर चढ़ाऊंगा दोस्तों, पूरा ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग अभी पहुँचे हैं, अभी लोग स्टार्ट किए हैं, रास्ता देख सकते हैं, ये रास्ता है, फिर घुमाओगे, मतलब रास्ता है नहीं, ये पहाड़ है, ठीक है, एक तरह से। तो चलिए चलते हैं, अब आप मेरा पीछे देख सकते हैं, एक सेकेंड, पीछे देख सकते हैं, ये पूरा झाड़ी उगा है दोस्तों, इधर पे पूरा झाड़ी उग के पूरा सूख गया है। ये यूटर्न रास्ता, ये देखिए हमारा राल किला है, और ये तीन लोग, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, यस यस, जय हिंद दोस्तों, बोल रहा हूँ, जय हिंद दोस्तों। छोटा भाई बोल रहा है, छोटा भाऊ, सॉरी, छोटा भाऊ बोल रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं, और ऊपर अभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जय माता दी, ओके। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, ये है पूरा राल किला एंड व्यूज, और ये, और ये है पूरा चट्टान, पहाड़ी पहाड़, आपको रास्ता जैसा दिखाऊं मैं, तो वो रास्ता देखेंगे आप, ये है रास्ता जो कि हाल फिलहाल लगता है सीढ़ी बना दी गई है, कुछ सीढ़ी है और आधा सीढ़ी नहीं है, पूरा चट्टानी चट्टान चढ़ना पड़ रहा है जहाँ जहाँ सीढ़ी नहीं है, ओके दोस्तों, जहाँ मतलब कि कठिन जो रास्ता था उस तरह पे सीढ़ी बना दिया गया है। और चलिए ऊपर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, आप इसे दिख रहे होंगे कि मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ यहाँ पर आकर के, क्योंकि ये जो चढ़ाई था बहुत ही भारी चढ़ाई है, बहुत ही मुश्किल था, और इस पे तो धूप है भाई साहब, आप तो पूछो मत। चलो आपको तो मैं राल किला का व्यू दिखाता हूँ, ये है हमारा राल किला। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हमारा राल किला, वहाँ कॉर्नर से स्टार्ट होता है, ये माना जाता है कि यहाँ से हम लोग
50% राउरकेला को देख सकते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं हमारा 50% राउरकेला। ये जो है एरोड, ये है टेंपल, ये चढ़ा हूँ मैं। इतनी बड़ी चढ़ाई यहाँ पे छोटी दिख रही है। जब आओगे तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी चढ़ाई है। ओके, तो यहाँ पे देखे ये है, पूरा कोहरा लगा हुआ है, फिर भी ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। तो अब हमारा राउरकेला तो आपने उस साइड देख लिया, अब आपको मैं थोड़ा उस साइड का भी व्यू दिखाता हूँ। ये है हमारा राइट साइड का व्यू, अब मैं हमारा लेफ्ट साइड का व्यू दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं वो डैम वैम वगैरह है, ये है। ओके, अब चलिए आपको मैं लेफ्ट व्यू दिखाता हूँ। ओके, ये मैं मंदिर के ऊपर चढ़ा हूँ मैं। ये हमारे सात देवी देवता जो माने जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यही टेंपल है दोस्तों ऊपर में। तो चलिए, ये है यहाँ पर थोड़ा सा, और ये है हमारा लेफ्ट साइड का एरिया। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, ये होता है हमारा 50% राउरकेला कवर। इसको ले करके आई थिंक 50% राउरकेला है दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर से, देख सकते दोस्तों हम पूरा राउरकेला जो है पूरा एक पहाड़ से घिरा हुआ। देख सकते हो उस तरफ भी पूरा पहाड़ी पहाड़ है, कोना कोना में भी पूरा पहाड़ी पहाड़ है, और ये पूरा पेड़ से ढका हुआ है दोस्तों। वहाँ एक और टेम्पल है, देख सकते हो वहाँ पर एक टेम्पल है जो पहाड़ पर है, एक उधर पर टेम्पल दोस्तों जो पहाड़ पर है। देख सकते हो वहाँ पर एक टेम्पल है जो पहाड़ पे है, वो भी बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। कभी मैं उधर पे भी लेके जाऊंगा आप सभी को। आज यहीं तक हम लोग वीडियो बनाएंगे, इसके बाद नीचे है दोस्तों, चलिए यहाँ तक रुकेंगे हम लोग दोस्तों। आगे रोड है, एक चीज़ बताऊँ आपको, आगे हमारा रोड है। चलिए रुकिए, मैं थोड़ी देर में आपको आगे ले जाता हूँ। आगे मैं आपको इधर का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये मंदिर बन रहा है, यहाँ पर बना नहीं है, देख सकते यार रेड वर्ड वगैरह निकला हुआ है, अभी पूरा बना नहीं है। और ये हमारा मंदिर, ये हमारा मंदिर है, और यहाँ शायद लोग रहते हैं, कुछ लोग शायद यहाँ रहते हैं जो कि भगवान की देखभाल के लिए। ओके, तो आपको मैं आप आगे ले जाऊँगा, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। टेंपल आप, मैं आपको रोड की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ से एक रोड है जहाँ पे बाइक या कार भी आ सकती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा राउरकेला व्यूज़, राउरकेला व्यू है यहाँ से, हमारा राउरकेला दिखता है। अब ये है रास्ता, सड़क जिसे बोलते हैं हिंदी में रास्ता, इंग्लिश में बोलते हैं रोड, तो इसे रोड नहीं बोला जाएगा, हाईवे प्लस हाईवे। आलिया भट्ट का सड़क है, आप देखिए आज दिया था। नहीं, किसी का नाम नहीं बोला। चलो देखो, ये हमारा रोड है, रोड है मतलब कि ये है रास्ता जो कि पूरा जंगली रास्ता है। यहाँ पे नहीं, और जो यहाँ पे आते हैं वीरियल, क्या बोलते हैं भाई उसको, वेयर गिल्स यहाँ पे आते हैं। और जंगल का देखिए, जंगल देखिए, ये है जंगल, और चारों तरफ हमारा है जंगल। यहाँ पे वेयर गिल्स आते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए ना, चिकू मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए। यहाँ पे गियर व्हील आते हैं, जो भी नाम हो भाई उसका, मुझे नाम ठीक से नहीं पता। अब मैं यहाँ पे सावधानी से चलता हूँ, ओके, क्योंकि ये तो पूरा झाड़ी बन चुका है यार। देखो इसे को, देख सकते हो वहाँ हमारा राउरकेला है, इसको भी राउरकेला है। ये राउरकेला का पहाड़ का बोलूँ तो मैं एक तरह से राइट साइड में, अगर आप ईस्ट की तरफ, अगर आप पूरब की तरफ रहेंगे तो आपका ये राइट तरफ पड़ेगा, और ये लेफ्ट तरफ पड़ेगा दोस्तों, इधर पूरा पेड़ पड़ है। तो चलिए हम लोग सावधानी से आगे चलते हैं, थोड़ा चलिए। चलो दोस्तों सीधा, देख सकते हैं ये एक सड़क है जहाँ पे चारों तरफ जंगल दोस्तों। मैं जब पहले आता था तब इतना झाड़ी नहीं था इधर पे, ओके, ये पूरा मतलब कि एक सड़क था, इतना पेड़ पौधा भी नहीं था। अभी जो लॉकडाउन के बीच ही अचानक इतना, मतलब ये लोग जो आना बंद कर गए, तो ये सब पहले साफ़ होता था, अब तो साफ़ भी नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन में ये बहुत लंबा दिन शायद बंद था उस लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे कि देखिए, यहाँ पे पहले था, अब पूरा साफ़ सुथरा था, बट अब साफ़ सुथरा है नहीं, तो पूरा जंगल बन गया है। आपको मैं व्यूज दिखा चुका हूँ, देख चुके आप। अब हम लोग आ गए हैं सड़क पर, ये है सड़क, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है रोड,
यहाँ से आप कार क्या दोस्तों, यहाँ से आप कार क्या सॉरी बाइक क्या कार भी ला सकते हैं। चलिए चलते हैं रोड तरफ, ये पूरा रोड है, रोड ही रोड है देखिए दोस्तों। तो आप देख चुके पहाड़ के ऊपर रोड, तो दोस्तों ये है पहाड़ के ऊपर का एरिया। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये पूरा रोड है, यहाँ आप कार भी इजीली ला सकते हैं, लेकिन अभी चढ़ा नहीं सकते क्योंकि देख रहे हैं पूरा चारों तरफ जंगली जंगल हो चुका है। तो पहले जब मैं आता था तो पहले इतना रोड नहीं था इसमें, मतलब कि पूरा साइड साइड में जंगल नहीं था, मतलब सिंपल रोड टाइप का था और पूरा क्लीन था एक तरह से बताऊँ तो। और ये जो है लॉकडाउन के बाद जो है पूरा की पूरा चारों तरफ झाड़ी झाड़ी उग गया है, पूरा झाड़ी हो गया देख सकते हैं, जैसी बियर की जिंदाबाद, पूरा झाड़ी हो चुका है। और यहाँ से यहाँ का व्यू देख सकते हैं, स्टेडियम वगैरह सारा दिख रहा है। चलिए आइए हम लोग ऊपर आपको दिखा दे थोड़ा, कैमरामैन चांद आपके साथ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, जैसा कि ये हमारा राइट साइड का एरिया है, तो देख सकते हैं ये पूरा राउरकेला जो है एक्चुअली पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों पूरा दूर का वो बाहर दिखेगा। और यहाँ पर जो है आपको दिखा दूँ मैं सबसे ऊपर में राउरकेला का, ये सबसे बड़ा पहाड़ है, और भी बड़े पहाड़ है, हिल टॉप वगैरह भी है बहुत सारे। तो हम लोग अभी पहाड़ पे जो ऊपर चढ़े हुए हैं और ऊपर में पूरा रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूँ इधर का। तो चलिए व्यू आप थोड़ा देख लीजिए इधर पे, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख चुके हैं मैं पूरा आपको वैष्णोदेवी मंदिर घुमा दिया हूँ और रोड तरफ भी ले गया था उस साइड में, रोड में भी दिखा दिया आपको। और ये है हमारा, मैं अभी भी पहाड़ पे ही हूँ, मैं आप घर जाने वाला हूँ और आपको देख सकते हैं पूरा वीडियो। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टूरिस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, गुड बाय, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बाय।